हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 29 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का कि किसके द्वारा 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन 2020 की मेजबानी की गई थी। तो आपका आंसर था यहाँ पर इंडिया के द्वारा इस बार इसकी मेजबानी की गई थी। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, इसको घटाकर इसने मूडीज ने 2.5% कर दिया है, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए जो ये रेटिंग एजेंसी है इसने 2020 के लिए इससे पहले जो है कितनी करी थी जारी, 5.3% इसने पहले इससे पहले घोषणा की थी। लेकिन हाल ही में जो ये कोविड के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई है, ठीक है, इसी कारण से इसने जो घटाकर अब कितना कर दिया है, 2.5% कर दिया है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है, इसने भी भारत की GDP को जो है घटाकर 5.1% कर दिया है, जो पहले 5.2% बताई गई थी। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे रेटिंग एजेंसी जो मैं आपको बताता रहता हूँ पिछले वीडियो में मैंने बताया, जिन्होंने सभी ने भारत की जो GDP रेट है उसको घटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये महामारी चल रही है इसकी वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है। तो ये जो ऑपरेशन नमस्ते है ये किसने लॉन्च किया है, भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर जो कोरोना का प्रकोप है इसी को रोकने के लिए जो थल सेना के प्रमुख है, कौन है वर्तमान में, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, ठीक है, जिनको दिसंबर 2019 में चुना गया था इस पद के लिए, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसके अंदर जो है ये इसी दौरान ये ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया है। देखिए इसके अंदर सभी जितने भी जो जवान है थल सेना के उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और दो मोर्चों पर यहां पर बंदोबस्त किया गया है, जिसमें पहला मोर्चा है उसमें 13 लाख जवानों को संक्रमण से बचाना और दूसरा जो है उसमें संक्रमित लोगों को क्वार्टराइज का मतलब कि इलाज सुनिश्चित करना। तो ये दो यहाँ पर पहल इसके तहत शुरू की गई है ऑपरेशन नमस्ते के तहत, ठीक है, इसका मकसद यही है जितने भी जो मतलब कि महामारी फैल रही है उसको ख़त्म करने में इसका सहयोग प्रदान करना, ठीक है, थल सेना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। तो आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा 100% LPG गैस प्राप्तकर्ता मतलब क्या है। देखिए यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर मतलब कि लगभग सभी घरों के अंदर अब LPG गैस की सुविधा उपलब्ध है। यही योजना जो LPG जो गैस है जो हिमाचल प्रदेश की एक योजना थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, इसी के तहत ये कार्य पूरा किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो योजना लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके कार्यान्वयन के पश्चात सरकार ने ये शेष जितने भी घर बचे थे उसके लिए ये योजना शुरू की थी, हिमालय गृहिणी सुविधा योजना, जिसके अंतर्गत हाल ही में ये सर्वे हुआ है और सभी लगभग पूरे राज्य के सभी जो परिवार है उनके पास LPG गैस उपलब्ध है। और ऐसा यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त करने वाला ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है, ठीक है। चलिए यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए गवर्नर कौन है, जो बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर है, और यहाँ की कैपिटल है शिमला समर के लिए और धर्मशाला है विंटर के लिए, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, जैसे कि रोहतांग दर्रा वगैरह है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट अपना देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि COVID-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी राशि का योगदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो G20 देश है उन्होंने जो है मिलकर $5 ट्रिलियन की ये घोषणा की है, ये आप ध्यान रखिएगा।
ये अभी जो मैंने आपने पिछले वीडियो में बताया था, 26 मार्च को जो बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, इस बार कोविड-19 के कारण सऊदी अरबिया जो है इसने इसकी मेज़बानी की थी, और इसी दौरान सभी देशों ने मिलकर ये घोषणा की थी। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने 15 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है। यानी कि देखिए, जो अमेरिका है इसने 15 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है, इसको अगर कोई पकड़ के लाके सौंपता है तो निकोलस मादुरो को। तो ये पूछा गया कि किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आंसर होगा आपका वेनेजुएला के ये राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के ऊपर ये इनाम घोषित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इनको जो है बाद में जब ये मिल जाते हैं तो यहाँ पे इन पर 50 साल या अधिकतम उम्र कैद की सज़ा की भी घोषणा की गई है। देखिए मामला क्या था, जो अमेरिक जो मतलब कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति है, इन पर जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी का आरोप लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। जो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बर है, ठीक है, इन्होंने जो है इस गुरुवार को इस चीज़ का ऐलान किया है कि कोई भी जो है इसको इनको पकड़ कर ला गिरफ्तार करवाता है तो उसको 15 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग भारतीय करेंसी में 112 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे इनाम है। ठीक है, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल्म अभिनेत्री निम्मी जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, इनका मूल नाम क्या था? तो आंसर होगा आपका नवाब बानू। देखिए यहाँ पर सभी कैंडिडेट मोस्टली सभी इनको जो है निम्मी के नाम से जानते थे, लेकिन इनका जो रियल नेम है, पूरा नाम जो है वो है नवाब बानू है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप इनको ज़रूर यहाँ पे जानते होंगे, ये इनकी अभी की लेटेस्ट फ़ोटो है जिनको आप शायद नहीं जानते हैं, लेकिन ये इनकी जो पुरानी जो फिल्मों में प्रसिद्ध थी उस टाइम पे 1950 से 1960 के दशक में, ये काफ़ी फेमस जो है बॉलीवुड अभिनेत्री, ठीक है, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस सरकार द्वारा मोजीबन कार्यक्रम शुरू किया गया है? मोजीबन कार्यक्रम जो है ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, जो कोरोना फैल रहा है उसको रोकने के एक छोट प्रयास के दौरान जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसका शुभारंभ जो यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान में, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मो यहाँ पे मोजीवन का अर्थ जो है मेरा जीवन है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार लोगों के से घर के अंदर ही रहने की अपील करती है, ये यहाँ पर इसका मकसद है। चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिएगा, हाल ही सरकार ने किस दवा को H1 दवा घोषित कर दिया है? तो सही आंसर होगा आपका जो हाइड्रोक्सी क्लोरोविन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोविन क्लोरोक्विन, इसको हाल ही में H1 श्रेणी का दर्जा दे दिया गया है। देखिए काफ़ी चर्चा में ये, जब से कोरोना खबरों में रहा है तब से ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका उपयोग कोरोना के प्रकोप को कम करने में किया जा रहा है, और ये कारगर भी साबित हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इसको अब हाल ही में गवर्नमेंट ने H1 की सूची में शामिल कर लिया है। H1 की सूची में शामिल करने का मतलब क्या है, देखिए H1 जो है इसका मतलब होता है कि कुछ कंडीशंस होती है, कुछ शर्तें होती है, वो माननी पड़ती है इसको बेचने वालों को, और जब ही जाके इसको बेचा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि इसे केवल डॉक्टर के पर्चे पर बेचा जा सकता है, जब कोई डॉक्टर लिखता है ऑफिशियली उसका मतलब कि उस पर स्लिप पर उसके पर्चे पर, जब ही इसको जो है उस किसी जो है दी जा सकती है, किसी को बेची जा सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी बिक्री जो है अनुसूची H1 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 में जो निर्दिष्ट दवाओं की बिक्री की शर्तें हैं उसके अनुसार इसकी बिक्री की जाती है। कुछ शर्तें जो है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 है, इसकी कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और वो शर्तें जिसके पूरी करती है उसको H1 श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, देखिए H1 श्रेणी में अगर किसी दवा को शामिल किया जाता है तो उसकी जितनी भी पूरी जानकारी है उसको रजिस्टर में पंजीकृत करना अनिवार्य होता है, जिसमें उसके जो खरीदने वाले का नाम, ठीक है, पता, बेचने वाला, अलग से एक अलग से उसका रजिस्टर बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए
जो इसमें जो दवा शामिल होती है उसको लाल रंग में RX के रूप में लेबल किया जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर लिखता है, जैसे कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं वो मेडिसिन लिखता है, तो स्लिप पे RX के नाम से ऐसे ये वाला वर्ड लिखता है, आपने पता होगा जितनी भी मेडिसिन लिखी ऊपर ऊपर जो मेडिसिन स्लिप होती है उसके ऊपर RX लिखा होता है। तो यहाँ पर अगर कोई इस मेडिसिन को दे रहा है कोई डॉक्टर, तो उसको रेड कलर में RX मेंशन होगा करना होगा। वैसे जो डॉक्टर है वो ब्लू कलर से पेन से लिख देते हैं, ठीक है, RX, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इसको RX रेड कलर से मेंशन करना होता है। तो ये सारी कुछ कंडीशन शर्तें होती है, इसी के बाद इस दवा की बिक्री की जाती है, यही H1 श्रेणी का मतलब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कोरोना प्रकोप को कम करने के लिए किस राज्य ने टीम 11 की स्थापना की है? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये टीम 11 की घोषणा की है। इसमें एक टीम मतलब कि टीमें बनाई गई है वहाँ पे जो रूटीन से उसको प्रॉपर मतलब कि संभालने के लिए, जो वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी है उन्होंने इसको तैयार किया है, घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस देश की वित्त पोषण एजेंसी JICA ने तीन मेगा रेल अवसंरचना परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ कुल 15,295 करोड़ रुपए के 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता हुआ है जापान के साथ। देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे जापान की वित्त पोषित एजेंसी है JICA, इसी के साथ ये 3 मेगा रेल अवसंरचना परियोजना के लिए ये भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है, और इसकी कुल लागत राशि कितनी है? 15,295 करोड़ है, जिसके तहत ही 3 समझौते हुए हैं। जापान की यहाँ पे हमने बात की है, कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं टोक्यो है, और जापानी येनिया की मुद्रा है, पॉपुलेशन ये है इसकी 12.68 करोड़, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो CBDT का नया सदस्य चुना गया है, कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता, इन दोनों को चुना गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा उसके। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ये दोनों नए सदस्य बने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में लागू शेल्टर इन पेलेस शब्द खबरों में रहा है, जिसका आशय क्या है? देखिए सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं, तो ये हाल ही में अमेरिका में लागू किया गया है शेल्टर इन पेलेस, तो इसका मतलब एक सिंपल भाषा में जाने तो लॉकडाउन का एक एक प्रकार है, जैसे कि हमारे भारत में अभी लॉकडाउन किया गया है, वैसे ही अमेरिका में शेल्टर इन पैलेस को की घोषणा की गई है, यानी कि सभी को जो है घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं अनिश्चित काल के लिए, और इसी को यहाँ पे अमेरिका में शेल्टर इन पैलेस नाम दिया गया है, ठीक है। तो यही हमारे जैसे भारत में लॉकडाउन है, वैसे ही ये अमेरिका में शेल्टर इन पैलेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आज की जो क्विज है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों खेल इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।